नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स आर, आपके साथ मैं हूं अपूर्व मिश्रा। खबर यह आई है कि आज के मैच में भी धोनी मैच के बाद नाराज हुए हैं खिलाड़ियों पर, और मैच के दौरान भी वो कई मौकों पर खिलाड़ियों पर नाराज होते हुए नजर आए, और फिर खबर आ रही है कि बहुत भड़के हैं, गुस्सा हुए हैं अपनी टीम के खिलाड़ियों पर भी। जब उनसे सवाल भी पूछा गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब वो आए थे कि भाई क्या रहा, हार का कारण क्या है, तो वही वो कह रहे थे कि बल्लेबाज जो हैं मतलब हमारे पता नहीं क्या हो गया, उनको जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। अरे कब जिम्मेदारी उठाएंगे भाई, 10 मैचेस हो चुके हैं और धोनी हमेशा गुस्सा करके जाते हैं। पिछले मैच में भी आपको याद होगा, और उसके पिछले मैच में जब करण शर्मा ने चौका खा लिया था, कोई पवन ने हाँ उनको भी समझा रहे थे और बहुत अच्छे से समझा रहे थे, वो समझाना नहीं था डांटना था। सही बात है, इतना डांट चुके हैं, पिछले मैच में कैचेस छोड़ रहे हैं तब भी गुस्सा आ चुके हैं, आज के मैच में भी गुस्सा आ रहे हैं, उस डांट का असर क्यों नहीं पड़ रहा है टीम के खिलाड़ियों पर? फिर तो मुझे सेवा की बात बिल्कुल सही लग रही है कि सब अपने आप को सरकारी नौकरी समझ रहे हैं यहाँ पर, ये हारो चाहे जीतो पैसा तो मिलेगा। नहीं, सेवा की बात और है, लेकिन मैं खुद वही जानना चाह रहा हूँ कि इंटेंट पता नहीं कहाँ चला गया धोनी का। आज आपने वो कैच देखा होगा, वो बता रहा था कि यार वो कप्तान जीतना चाहता है, वो कप्तान चाहता है कि टीम एफर्ट लगाए, और महेंद्र सिंह धोनी और शेन वॉटसन ही शायद उस टीम में सबसे ज्यादा एजेड है, एक ही एज के, लेकिन उसके अलावा और कोई खिलाड़ी वहां पर ऐसा नहीं है जिसका इंटेंट दिख रहा हो कि भाई कभी ओवर थ्रोस जा रहे हैं, पिछले मैच में कैच छूटते हुए दिखे थे। तो ये वो CSK तो नहीं है जिस CSK को देखते हुए हम लोग बड़े हुए हैं या क्रिकेट को समझना शुरू किया, वो CSK तो ये नहीं है, क्योंकि इस CSK में ना तो इंटेंट दिखाई दे रहा है और ना सुधरने की कोई ललक दिखाई दे रही है, क्योंकि ये वही गलतियां जो ये टीम करती हुई आ रही है। और इसीलिए धोनी ने सिर्फ पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में नहीं बल्कि टीम को अलग से ले जाकर भी बात की होगी, क्योंकि वो तो भाई ऐसा खिलाड़ी है कैमरे के सामने आपको बिल्कुल दिखेगा कि धोनी कूल एंड काम है, लेकिन जहां कैमरा हटता है ना वहां फिर असली धोनी सामने। वही तो हमारे सोर्सेज ने खबर दी है, जो हम मैदान पर मौजूद थे देख रहे थे कि धोनी पूरा टीम हडल में समझा रहे थे, सब मुंह लटका के ऐसे नीचे खड़े थे और धोनी बोल रहे थे, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है भाई, मुंह लटका के कप्तान सामने डांटेगा, आप मुंह लटकाएंगे बेशर्मों से फिर मैच में जाएंगे और फिर आप हरा देंगे अपनी टीम को। अरे कुछ कीजिए यार, वो कप्तान इतनी मेहनत कर रहा है, बल्लेबाजी में भी आखिरी तक रुक के उसने कोशिश की, अनलकी रहा कि रन आउट हो गया, लेकिन मेहनत कर रहा था ना वो, बाकी मेहनत बाकी बल्लेबाज भी कर सकते थे ना, जो अपना विकेट फेंक फेंक कर चले आए, वो डाइव मार मार के इस उम्र में भी कैचेस पकड़ रहा है, इतने शानदार कैचेस पकड़ रहा है, और इस मैच में ही नहीं इसी IPL में 2 कैचेस ऐसे धोनी पकड़ चुके हैं, तो वो इतना खुद मेहनत कर रहे हैं, आप उनको क्यों इतना लेट डाउन कर रहे हैं भाई, समझ से मेरे भी परे है। अगर आपके समझ में आ रहा है तो हमें तुरंत बता दीजिएगा कमेंट करके कि क्यों ऐसा है, हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं खिलाड़ी, जीत की ललक क्यों नहीं है, वो इंटेंट कहां गायब हो गया है, मतलब क्या कमी है? CSK पैसा नहीं दे रही कि पैसा काट रही है, लॉकडाउन में तुम्हारा 30% सैलरी कट जाएगी कि उस वजह से आधे मन से खेल रहे हैं, या फिर कोई दूसरा कप्तान चेंज कर दिया गया जो आपके मन का कप्तान नहीं है, यही कप्तान है जिस जो आपको 3-3 बार कप जिता चुका है, हर प्लेऑफ में पहुंचा चुका है। तो अगर रीजन आपको समझ में आए ना तो बताइएगा जरूर, हमें तो समझ में नहीं आ रहा है कि CSK के खिलाड़ी ही घर के भेदी क्यों बन रहे हैं और घर के भेदी लंका क्यों उठा रहे हैं CSK की, बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस वीडियो को देखने के लिए, नमस्कार।